हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? तो रीट ग्रेड थर्ड अध्यापक भर्ती 2023 की थी, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले आपको सुन के थोड़ा सा शायद गुस्सा आएगा और उसके बाद में शायद आपको थोड़ा सा सुकून मिलेगा अगर आप कुछ पॉइंटों से या एक नंबर या दो नंबर से रहे हैं। ये आपको पता है कि रीट लेवल वन और लेवल टू के ऑलमोस्ट सारे रिजल्ट आ चुके हैं, सिर्फ एक SST का रिजल्ट जो है वो बाकी बचा है। तो SST का रिजल्ट है वो कल आ जाएगा शायद, जहाँ तक अनुमान है कल आपका आ जाना चाहिए, कल नहीं तो परसों आ जाएगा। इसके बाद में प्रोविजन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट आएगी। देखो, हर सब्जेक्ट, आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट से हो, हर सब्जेक्ट वाला स्टूडेंट जो है वो थोड़ा ध्यान से सुनना, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। देखो, ये तो आपको पता है कि रिजल्ट है वो जारी हो गया है, लेकिन आप अगर कुछ पॉइंटों से रहे हैं, एक या दो नंबर से रहे हैं, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपको ये सुन के गुस्सा आएगा क्योंकि आपने मेहनत की थी, जितनी कट ऑफ रही है उससे ज़्यादा आपने स्कोर बनाया है, लेकिन फिर भी आप रह गए हो कुछ पॉइंटों से, कुछ नंबरों से, क्योंकि डिपार्टमेंट ने सारे पदों पर रिजल्ट जारी नहीं किया है। ऐसा कभी नहीं होता है कि इतने ज़्यादा पद रख लिए हो, ऐसा कभी नहीं होता कि प्रोविजन लिस्ट में इतने सारे बच्चों को एक साथ रखा हो और प्रोविजन लिस्ट दोबारा निकालने में इतनी ज़्यादा देरी कर दी हो। अब की बार तो कुछ अलग ही खेल चल रहा है। एक तो पहले बात था, लेवल वन के तो चलिए पूरे पद थे, लेवल टू का आपको याद होगा, लेवल टू में ऑलरेडी जो है 4500 से ज़्यादा पद कट कर दिए थे। ठीक है, पहला नुकसान तो बच्चों का स्टार्टिंग में ही कर दिया था कि जितने पदों की घोषणा हुई थी 3500 की समथिंग थी, तो 4500 पद तो पहले ही खा गए थे। काफ़ी प्रयास किया था लोगों ने कि ऐड करवाएं, लेकिन वो ऐड नहीं हुए थे। उसके बाद में जब रिजल्ट आ रही बात, तो मैं सारी चीज़ें एक एक सब्जेक्ट की बताता हूँ, आप जिस भी सब्जेक्ट से सुनना, और उसके बाद में बताऊँगा कि क्या करना है ताकि ये नुकसान जो है उसकी भरपाई हो सके। लेवल वन में आपको याद होगा 1914 पद जो रखे थे, यानी प्रोविजन लिस्ट रखी थी, साथ में कुछ पद खाली रख दिए थे, सारे ऐड कर रहा हूं मैं, प्रोविजन लिस्ट प्लस जो पद खाली थे 1914 रखे थे, उनमें से दो लिस्ट आ गई है प्रोविजनल की, 345 बच्चों का प्रोविजन का लिस्ट आ, अभी भी 1679 पद जो है, अभी भी लगभग 1570 प्लस पद मान के चलिए, ये पद अभी भी खाली है। यानी मूल पद की बात कर रहा हूँ मैं, ये वेटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, वेटिंग तो बाद की बात है कि जो ज्वाइन नहीं करेंगे या ज्वाइनिंग के टाइम पर जो अपात्र हो जाएंगे, वेटिंग लिस्ट तो बाद में आएगी, क्योंकि ये पद भी अगर रिजल्ट जारी कर दे इन पदों पर, तो भी आपकी हर कैटेगरी में एक से लेकर दो नंबर तक तो कट ऑफ यही नीचे आ जाएगी। वेटिंग में तो बाद की बात है, वेटिंग में तो बाद में और नीचे आएगी पॉइंटों में, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट जो भी रहेगा वो बाद की बात है। मेन काम क्या है कि इन पदों पे भी एक रिजल्ट जारी होता है, हालांकि लेवल वन की प्रोविजन लिस्ट एक दो दिन में आने वाली है और फिर एक दूसरी आएगी। अगर आप साइंस मैथ से हैं, साइंस मैथ वाले थोड़ा ध्यान से सुना, अभी इनका रिजल्ट आया है, इनके 1051 पद अभी भी खाली है, और इनको थोड़ा सा ज़्यादा फायदा इसलिए है क्योंकि अब हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू से है ना, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो एडिशनल सब्जेक्ट से कर रखा है, जिनका रिजल्ट क्या है रोक रखा है, लेकिन साइंस मैथ में एडिशनल वाले नहीं हैं। प्रोविजन लिस्ट में ज़्यादातर जो हैं बच्चे, मैंने प्रोविजन लिस्ट देखी है, अगर आपने भी देखी है, तो ज़्यादातर बच्चे वो हैं या तो जिनका बीएड जो है वो सेकंड ईयर है, यानी कंप्लीट नहीं हुआ है, या आउट ऑफ स्टेट से हैं, या डॉक्यूमेंट में कोई कमी है, या पीएच कैटेगरी वाले हैं, तो ज़्यादातर प्रोविजन लिस्ट में बच्चे हैं वो अपात्र होने वाले हैं। तो साइंस मैथ की कट ऑफ एक से दो नंबर या इससे ज़्यादा तक नीचे जाएगी, 1051 पद आपके पूरे के पूरे हैं। ठीक है, प्रोविजन लिस्ट में जितने बच्चे, उनमें आधे बच्चे हैं वो पास कर लेंगे, आधे बच्चे मैंने देखी है, आप भी देख लेना। तो साइंस मैथ वाले ज़्यादा तनाव मत लेना, ठीक है, क्योंकि आपकी एडिशनल वाला ड्रामा नहीं है, एक दो बच्चे मुश्किल से हैं। अंग्रेजी में अभी भी 2045 पोस्ट है, ठीक, खाली है, जिसमें 1600 के लगभग प्रोविजनल है और 400 के लगभग पद खाली है, इतनी सीटें अभी भी बाकी है। हिंदी की 711 सीटें हैं, ठीक है, हिंदी वालों को और फायदा है। अगर मैं हिंदी वालों को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, अगर आपका रिजल्ट प्रोविजनल वाला, वेटिंग वाला लेट हो गया, तो सबसे ज़्यादा फायदा हिंदी वालों को है, क्योंकि हिंदी का फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आने वाला है और फर्स्ट ग्रेड में लगभग 1450 प्लस सीटें सबसे ज़्यादा हिंदी में थी फर्स्ट ग्रेड में, याद रखना, अगर आपने नहीं देखा है। उनका रिजल्ट अभी जारी होने वाला है, दो दिन में, पाँच दिन में उनकी ज्वाइनिंग भी मिलेगी। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो रीट में सेलेक्ट हैं हिंदी से, वो फर्स्ट ग्रेड में भी सेलेक्ट हैं। तो बहुत, अगर आपका हिंदी वालों का कह रहा हूँ स्पेशली, अगर रिजल्ट थोड़ा सा लेट हुआ हिंदी का और SST का, तो बहुत फायदा होने वाला है वेटिंग लिस्ट में, बाकी नहीं, वेटिंग लिस्ट में बहुत फायदा होगा। संस्कृत में 228 पद अभी भी है, पंजाबी में 90 पद है, सिंधी में 8 है, उर्दू के 225 हैं। SST का रिजल्ट नहीं आया, लेकिन पद उसके अनुमान के आधार पर कह सकता हूँ कि 500 से ज़्यादा पद खाली रहेंगे, यानी टोटल अब तक पूरी भर्ती में कितने पद खाली हैं, 5406, यानी 5400 प्लस पद
5500 मान के चलिए, अनुमान के अकॉर्डिंग 5406 पद अभी जो मैंने डाटा कलेक्ट किए हैं उनके अकॉर्डिंग अभी भी पद खाली है, जिन पर पहला रिजल्ट नहीं आया, यानी मूल रिजल्ट नहीं आया है। आप सोचिए पूरी भर्ती में 5500 पदों की तो एक नई भर्ती निकाली जा सकती है। इन पदों पर अगर रिजल्ट जारी हो गया तो प्रत्येक सब्जेक्ट में, प्रत्येक कैटेगरी में आपको 1-1.5-2 नंबर कट ऑफ है वो नीचे जाएगी। अब बात है कि इतने पद रखे क्यों हैं, ठीक है, क्यों रखे हैं? देखो रखना तो नहीं चाहिए था, लेकिन दो चीज़ें, एक तो ये हो गया कि प्रोविजनल लिस्ट आई है, ठीक है, प्रोविजनल लिस्ट आई है जिसमें थोड़ा भी डॉक्यूमेंट में कमी है उन बच्चों को रखा गया है, तो प्रोविजनल लिस्ट इस बार लंबी है। दूसरा, हर बार रिजर्व पद रखते हैं 50-60, यानी अगर मान लिया कोई कोर्ट में चल रहा है कोई मामला, कोर्ट ने अगर डिसीजन दे दिया तो उनको लेना पड़ेगा, तो नए पद तो बना नहीं सकते, भर्ती में से कुछ पद रिजर्व रखते हैं, लेकिन अब की बार बहुत ज़्यादा रखे हैं। हर सब्जेक्ट में 200-300-400 इस प्रकार से रिजर्व पद रखे हैं जिन पर रिजल्ट निकालना ज़रूरी है, और अगर निकल गया, निकलेगा ही, लेकिन आपका प्रयास करना जरूरी है, कभी ना कभी तो निकलेगा ही, पद तो खाने नहीं देंगे, लेकिन बहुत बार होता भी है कि डिपार्टमेंट 200-300 पद का नाश्ता कर जाता है। लास्ट बार रीट लेवल 1 में हुई थी, उसमें भी कुछ पदों का नाश्ता हो गया था, तो थोड़ा सा जागरूक रहना है। जो बच्चे पॉइंटों से रहे हैं, एक नंबर से रहे हैं, उन्हें रात दिन आवाज़ उठानी है कि हमारे जो मूल पद हैं उन सभी पर रिजल्ट जारी करो, और बाद में जो बच्चे अपात्र होंगे ज्वाइनिंग के टाइम पर या ज्वाइन नहीं करेंगे उनकी जगह वेटिंग लिस्ट निकालो, ठीक है। क्योंकि देखो इस भर्ती में 5 साल तो हो गए हैं, ठीक है, इस भर्ती में 5 साल तो आपके ऑलरेडी हो गए थे, अभी अगर इसको 1-2 साल अगर इसमें ले लिया तो 7-7 साल की कोई भर्ती थोड़ी ना होती है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि 1 महीने में, अक्टूबर माह में, ठीक है, अक्टूबर में जितने भी पद खाली हैं जो प्रोविजन लिस्ट है, प्रोविजन लिस्ट में कुछ बच्चे क्या होंगे, अपात्र होंगे, प्रोविजन लिस्ट है उसमें भी तो बच्चे अपात्र होंगे, ये बच्चे प्लस जो रिक्त पद रखे हैं इन पे एक अलग सी सूची जारी करो, ताकि कट ऑफ क्या आएगी, डाउन आएगी, और जो पॉइंटों में है, नंबरों में है, उन बच्चों का क्या हो, सिलेक्शन हो। इसके लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। आप इंस्टाग्राम ज्वाइन कर रखा है बढ़िया बात है, नहीं कर रखा है तो ये मेरा लिंक है प्रहलाद साणा सर के नाम से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कॉमेंट में ज्वाइन कर लेना। हम भी कोशिश कर रहे हैं बार बार, ठीक है, कि भाई जितने मूल पद हैं उन पर रिजल्ट जारी करो। ये तो फैक्ट है, जहाँ तक मेरे पास जानकारी है वो ये है कि प्रोविजनल लिस्ट में जो बच्चे हैं ना उनका अभी SST का आने के बाद में वो लिस्ट है वो दोबारा जारी करेंगे, तो प्रोविजनल में जिन जिन का डॉक्यूमेंट सही है उन सभी का रिजल्ट अभी जारी हो जाएगा, एक एक लिस्ट और आएगी सभी की। लेकिन मेन बात है इस लिस्ट के बाद में अगली लिस्ट की, कि वो कितना जल्दी निकाल दें। अगर हम सब ने मिल के प्रयास किया तो अक्टूबर महीने में एक और लिस्ट आ जाएगी कट ऑफ डाउन करके, जिसमें प्रोविजन लिस्ट में जो बच्चे अपात्र होंगे या जो खाली पद रखे हैं उन पदों पर नए बच्चे लेके लिस्ट जारी कर सकते हैं। अगर हमने ध्यान नहीं दिया, कोशिश नहीं की, आवाज़ नहीं उठाई, तो ये जारी तो होंगे लिस्ट, लेकिन बहुत लेट हो जाएगा, फिर आचार संहिता चुनाव का लेके फिर दिसंबर जनवरी फरवरी 5-5-6-6 महीने लग जाएंगे। तो अगर आप हैं उन विद्यार्थियों में हैं जिनका रिजल्ट नज़दीक में है, पॉइंटों में है या कुछ नंबरों में है, तो थोड़ा सा जागी आवाज़ उठाइए, क्योंकि अगर आप चुप रहे तो ये बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। 5500 पद कम नहीं होते, ठीक है, अगर आप 5500 पद अगर आपको कम लग रहे हैं, हर कैटेगरी के हैं ये, हर कैटेगरी में आप देख, सबसे ज़्यादा अभी इंग्लिश में है 2045, फिर लेवल 1 में है, लेवल 1 की भी लगभग 2000 थे, कुछ लिस्ट जारी हो चुकी है। तो आइए आवाज़ उठाइए, रात दिन लिखिए कि भाई प्रोविजन लिस्ट जारी करो, प्रोविजन लिस्ट में जो बच्चे अपात्र रहे हैं उनकी जगह नए बच्चे लो, और जो खाली पद आपने रखे हैं, जो मूल पद हैं, उन पर रिजल्ट जारी करो कट ऑफ डाउन करके। क्योंकि अब भी अगर जल्दी हो गया ना तो आपकी ज्वाइनिंग भी जल्दी आएगी, 1 महीने में आप स्कूल में होंगे अगर आप 1-1.5 नंबर से कम हैं, अगर आवाज़ उठाई तो। ये बहुत बड़ा नुकसान है, भर्तियाँ देखते हैं ध्यान नहीं देते। हर बार आप कोई भी भर्ती उठा के देख लो, पुराने वाली, हर भर्ती में जितने भी पद होते हैं ना, हर भर्ती में रिजर्व पद रखते हैं, और बाद में कभी उन पर रिजल्ट जारी हो जाता है, कभी नहीं होता। कुछ कुछ भर्तियों में 2-2 साल लग जाते हैं वेटिंग आने में। वेटिंग का रूल क्या है? वेटिंग का रूल ये है कि 6 माह के अंदर, ठीक है, 6 मंथ के अंदर जो है वेटिंग जारी करो, नियम ये है। लेकिन ये नियम फॉलो करते नहीं है, क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं देते, हम लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं, हम डिपार्टमेंट से नहीं पूछते हैं। तो पूछिए, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आवाज़ उठाई, रिजल्ट जारी हुआ, तो हम RTA लगा देंगे। RTA लगा के पूछ लेंगे कि भाई बताओ जो भर्ती हुई थी उसमें कितने पदों पर ज्वाइनिंग दी है, और अभी भी कितने पद हमारे अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग सब्जेक्ट में खाली है। तो RTA में उनको बताना पड़ेगा कि इस सब्जेक्ट में इतने पद अभी भी खाली हैं, ठीक है, तो उन पदों पर रिजल्ट निकालो। नहीं निकालेंगे तो कोर्ट चले जाएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, पद खाली नहीं रहने, एक भी पद नहीं रहने देंगे। लेकिन मुद्दा सिर्फ समय का है,
कि जल्दी निकले कि लेट निकले। अभी आवाज़ उठाएंगे तो ये चीज़ें जल्दी हो जाएगी, आवाज़ अगर नहीं उठाएंगे तो फिर ये लंबा चलेगा, और कोर्ट का मामला आप जानते हैं बहुत लंबा चलता है, ठीक है। तो इसीलिए आवाज़ उठाइए, अभी भी चांसेस हैं आपके एक नंबर या दो नंबर से अगर आप रहे हैं तो, ठीक है। तो लाइक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में जो भी कुछ पॉइंटों से या कुछ नंबरों से है, ताकि इन सभी पदों पर, मूल पदों पर रिजल्ट जारी हो सके, प्रोविजन लिस्ट जारी हो सके, ठीक है। थैंक यू।